Okay, so today we are going to discuss the important topic. We are continuing to discuss the important topic, which is on the banking. We have discussed the small evolution of banking in India from the 16th, 15th century. We also talked about the brief of how pre-independence era, कैसे presidency banks established हुए. तो आज हम लोग उसी को continue करते हुए आगे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे pre-independence era में चीजें improve हुई. तो जो एक बैंकिंग ग्रोथ का सबसे अच्छा एग्जांपल था, जो बैंकिंग सर्विसेज थी, वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में 1883 के आसपास पोस्टल बैंकिंग सर्विसेज शुरू हो गई. पोस्टल बैंक्स ओपन किए गए, जिनको पोस्ट ऑफिसेज के अंदर सेविंग्स बैंक अकाउंट्स की तरह आप लोग ओपन कर सकते थे, और उसमें जो है सेविंग्स बैंक खाते खोल करके स्मॉल सेविंग्स को सेव किया जा सकता था. ये फैसिलिटी जो है वो खास तौर पे उन लोगों के लिए की गई जो मिडिल और लोअर क्लास या मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप से आते थे, ताकि उन लोगों को भी बैंकिंग हैबिट्स डेवलप कर सके. वो लोग भी जो है दे शुड बी एबल टू ओपन बैंक अकाउंट्स, दे शुड नो व्हाट इज सेविंग्स, दे शुड बी एबल टू हेल्प इकोनॉमी बूस्ट. मैंने पहले भी क्लासेस में कई बार डिस्कस किया है कि जितनी सेविंग्स हम लोग करते हैं उसका फायदा सिर्फ हमें ही नहीं होता है, इकोनॉमी को भी होता है. इकोनॉमी की जो रूट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथन होती हैं, इकोनॉमी के अंदर ज्यादा इनफ्लो ऑफ मनी आता है अगर आप बैंक के अंदर जाकर के सेव करते हैं. तो ऑब्वियसली अभी हम जब आगे बैंकिंग फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्री इंडिपेंडेंस एरा में ही कोशिश की गई कि सेविंग्स बैंक अकाउंट्स खोले जाए बाय डिफरेंट प्रेसिडेंसी बैंक्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. और इस एफर्ट में ही सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलने के लिए पोस्ट ऑफिसेस को भी ऑथराइज कर दिया गया बाय 1883. रेट ऑफ इंटरेस्ट रिड्यूस किया गया कुछ लेवल में, ताकि ज्यादा लोग लोन्स के लिए अप्लाई कर सकें, ज्यादा लोगों को लोन्स मिल सकें, और कंट्री के अंदर जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप और अदर टाइप्स ऑफ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिल सके. तो क्या रिकमेंडेशंस रही फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज? इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेविंग बैंक ऑफिसेस. सेविंग्स बैंक जो अकाउंट है जहां जहां होता है उन ऑफिसेस को ज्यादा एस्टैब्लिश करने के लिए रेकमेंड किया गया. ज्यादा सेविंग्स बैंक ऑफिसेस होने चाहिए, ज्यादा बैंक्स ऐसे होने चाहिए जो सेविंग्स बैंक में डील करते हो. रेजिंग द लिमिट ऑफ डिपॉजिट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर्स, तो ये भी एक पॉलिसी लाने की कोशिश की गई कि माइनर्स के लिए अकाउंट्स खुल सके और उनके जो है डिपॉजिट्स की जो लिमिट है शुरू में बहुत कम होती थी. कुछ बैंक्स में तो माइनर्स को अकाउंट खुलवाना मना था, लेकिन वो भी धीरे धीरे करके हटाया गया और उनके भी डिपॉजिट्स की लिमिट को रेज किया गया. इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम्स ऑफ चेक फॉर विड्रॉल एंड डिपॉजिट. देखिए ऐसा होता था उस जमाने में भी और अब भी होता है कि अगर आप कैश जमा करते हैं या कैश विड्रॉ करते हैं तो बहुत तरीके की फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं. देर आर मेनी वेज पीपल कैन डिसीव यू, राइट? देर आर मेनी वेज criminal things happen around the bank and the banking sites while withdrawing and depositing the cash. तो इन सब चीजों को रोकने के लिए एक बहुत आसान तरीका इंट्रोड्यूस किया गया, चेक. तो चेक सिस्टम जो है वो अर्ली 19th सेंचुरी में या लेट 18th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट उसको डेवलप होने में टाइम लगा. इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी अकाउंट होल्डर्स एंड अकाउंट यूजर्स आर देयर इन द बैंक. तो ये इससे फायदा ये है कि आपको कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं है. एक सिंगल पीस ऑफ पेपर लेकर के आप घर से आएंगे, आपको कैश विड्रॉ करना है या आपको कैश जमा करना है, तो दैट कैन बी डन थ्रू अ सिंगल पीस ऑफ चेक. तो ये एक तरीके की, तो विड्रॉ करने के वक्त तो आपको ऑब्वियसली यू नीड सम अमाउंट ऑफ कैश, बट अगर आप कोई आदमी चेक लिख करके अपने अकाउंट का आपको दे दे तो आप उस चेक को बैंक में जमा करके उसी में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं. तो दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड थिंग दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ चेक. Permitting the opening of joint accounts. तो इसमें एक और फायदा ये हुआ कि अगर पार्टनरशिप का बिजनेस है या फैमिली का एक ही सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो उसमें मल्टीपल ओनर्स यानी दो या तीन लोग मिलकर के ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सके, इसकी भी परमिशन बैंक्स को दी गई. इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्रोविजन फॉर डेजिग्नेशन ऑफ नॉमिनीज इन द अकाउंट होल्डर. दिस वॉज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट बन गई है. इसके बगैर बैंक कई बार या तो खाता खोलता नहीं है या आपका केवाईसी नॉट अपडेटेड करके लिख देता है. उस टाइम पर भी there was a need for account holders to have nominees, क्योंकि in the case of death of an account holder, it is very very important that इस account के पैसे अब किसको दिए जाए.
इस अकाउंट का डिपॉजिट, इस अकाउंट की इन्वेस्टमेंट किसको दी जाए, ये डिसाइड करना बैंक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था. तो दे इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन ऑफ नॉमिनीज टू बी डेजिग्नेटेड इन द अकाउंट्स. अब बैंकिंग ग्रोथ इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, कैसे बैंक्स डेवलप हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947. सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है पहले एक प्राइवेट बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती थी जब अंग्रेज हमारे देश में थे. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट नेशनलाइज्ड इन 1948 एंड द कंप्लीट कंट्रोल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज टेकन ओवर. Right. The complete control of RBI was taken over by the central government and 100% shares were held by central government in 1948 and Reserve Bank of India Act, which was already established during the British rule, was implemented fully. Right? So, ye jo hai shuru ho gaya aur complete monitoring and control of banking business and operations in the country jo shuru ho gaya. In July 1955, Imperial Bank of India was renamed as State Bank of India, one of the most successful pre-independence era banks. Imperial Bank of India, jo obviously jo English time mein sponsor hua karta tha, usko rename kiya gaya State Bank of India ki tarah. And SBI is the first Indian bank which was nationalized to extend banking services or facilities to the rural and semi-urban areas. Kyunki State Bank of India ki reach us waqt कुछ सिटीज, कुछ शहरों और कुछ अर्बन एरियाज तक थी, जो भारत के उस वक्त कुछ बड़े शहर थे या कुछ नाम के शहर थे वहां तक थी. तो पर्पस ये था कि एसबीआई को कंप्लीटली नेशनलाइज किया जाए. व्हेन यू से नेशनलाइज, भारत सरकार ने एसबीआई के सारे शेयर्स खरीद लिए और उसको नेशनलाइज कर दिया, कमर्शियलाइज कर दिया टू एक्सटेंड बैंकिंग सर्विसेज इन द रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. जहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी वहां तक एसबीआई को पहुंचाने के लिए नेशनलाइज कर दिया गया, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फुली फाइनेंस कर सके, फुली फंड कर सके, फुली सपोर्ट कर सके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. जो कि एक बात को समझने की जरूरत है कि जब कोई कंट्रोल किसी बैंक का प्राइवेट सेक्टर के हैंड्स में होता है तो वो प्योरली प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, सर्विस मोटिव उनका थोड़ा कम रहता है. वो किसी भी जगह पर ब्रांच इसलिए खोलेंगे कि वहां पर प्रॉफिट होगा. अगर किसी रूरल एरिया में बैंक को खोलने और ऑपरेट करके बैंक अकाउंट्स खोलने में 5 साल लग जाएंगे तो वो प्रॉफिट 5 या 6 साल के बाद कमा पाए. तो एसबीआई को इस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया 1955 में, कि कोई भी बैंक कहीं पर भी बैंकिंग ब्रांच खोली जा सके, किसी भी तरीके से ऑपरेट किया जा सके विद फुल फ्रीडम, और बैंकिंग ब्रांचेस को सब तरीके की फ्रीडम हो काम करने के लिए. तो और प्रॉफिट मोटिव इनिशियली ना हो. The most important thing is कि profit motive initially ना हो. 8 associate banks of SBI were nationalized as subsidiaries of SBI during 1957 to 1960. 8 और banks बनाए गए जो SBI के subsidiaries बनाए गए. Subsidiaries का मतलब ये होता है कि SBI के पास उन banks की 51% या उससे ज्यादा की capital SBI के पास है. तो ऐसे अलग अलग बैंक्स बनाए गए और अल्टीमेटली वो बाद में 2016 तक 17 तक 5 बैंक्स थे. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एंड स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर. ये भी कुछ बड़ी सिटीज थी प्रेसिडेंसीज के अंदर जिनके पास अपने खुद के प्राइवेट बैंक्स थे, उनको कन्वर्ट किया गया एज सब्सिडरीज ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और अल्टीमेटली वो 2018 तक 5 बैंक्स बने, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला एंड ट्रावणकोर. आप लोगों को सबको इस बात की जानकारी होनी चाहिए. आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग बिकॉज इस स्लाइड में वो अपडेटेड नहीं है, दैट ऑल दीज 5 सब्सिडरी बैंक्स ऑफ SBI आर नाउ मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो देर आर नो 5 or 6 डिफरेंट बैंक्स, देर इज ओनली 1 बैंक अंडर द 1 अम्ब्रेला which is State Bank of India, and State Bank of India is the subsidiary of Government of India. Government of India ki pure ownership hai State Bank of India ke paas. Okay? State Bank of India ki puri ownership Government of India ke paas hai. So now there are no 5 or 6 subsidiary banks or you know other banks. There is only 1 bank, State Bank of India. Ye 5 banks jo screen pe dikh rahe hain, ye 2018 se merge ho gaye hain State Bank of India mein. To in sab ke naam bhi ab State Bank of India ho gaye. तो ये जस्ट आप लोगों को मैं जो बैंकिंग ग्रोथ टिल 2020 चल रही है, आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग दैट.
what other steps contributed in the banking growth in post independence era, और क्या क्या चीजें post independence यानी 1947 के बाद सरकार ने करी. Government imposed social control on banks in 1967. Social audit introduced किया bank ने 1967 में, ताकि ये चीज देखी जा सके कि societal benefits bank दे पा रहा है कि नहीं. किसी ने अगर bank खोला है या even एक nationalized bank जो है वो काम कर रहा है, तो क्या वो social benefits के लिए काम कर रहा है, क्या वो society के benefits के लिए काम कर रहा है या नहीं, क्या उससे लोगों की reach बढ़ रही है, क्या लोगों के खाते खुल रहे हैं, क्या लोग उसमें पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, आर पीपल डेवलपिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स इन देयर रूटीन लाइव्स, हाउ मच अमाउंट ऑफ सेविंग्स इज बीइंग स्टोर्ड इन बैंक अकाउंट्स. ये सारी चीजें सोशल कंट्रोल्स के तहत 1967 में इंट्रोड्यूस की गई, जिससे पता चल सके कि जिस पर्पस से बैंकिंग सेक्टर को नेशनलाइज किया जा रहा है, जो 1948 में आरबीआई को किया गया, 55 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किया गया, और 65 से 70 के बीच में लगभग 17 से 18 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. तो ये क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं, ये सोशल कंट्रोल के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया. रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी का मतलब होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड इंटरनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बैंकिंग कंपनी. देखिए, बैंकिंग कंपनी को इस तरह से समझिए आज की डेट में भी, कि जो लोग ओनर्स होते हैं बैंक, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल पीपल होते हैं. जिन लोगों की शेयर होल्डिंग होती है बैंक में, जो बैंक को चलाते हैं एक तरीके से, एट द बैक ऑफ द कर्टन्स, कर्टन्स के पीछे बैठ के चलाते हैं. सीईओ एक होता है, चेयरमैन एक होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल. लेकिन जो असली ओनर्स हैं वो प्रोबेबली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं होते. कई बार वो लोग नॉमिनेट करते हैं आदमी को कि आप मेरे बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाइए. तो ये बात समझने की बहुत जरूरत आई पोस्ट इंडिपेंडेंस की, बैंक्स मिसयूज न करें अपने पैसे का, अपनी सर्विसेज का, और प्रॉफिट जबरदस्ती गेन करने की कोशिश ना करें, और कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो. इस वर्ड को बहुत ध्यान से समझिए. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मेरा एक पर्टिकुलर फील्ड में कुछ पैसा लगा हुआ है, या मेरी कोई कंपनी खुली हुई है, और मेरा ही बैंक खुला हुआ है. मान लीजिए मेरी एक सीमेंट की इंडस्ट्री है, मैं सीमेंट की इंडस्ट्री में एक कंपनी खोली हुई है, और मेरे पास एक बैंक भी है, आई एम वन ऑफ द ओनर्स ऑफ द बैंक. अब मेरा बैंक जो है वो लगातार सीमेंट की कंपनी को लोन दे रहा है. इट इज पॉसिबल, ये एक तरीके का नेक्सस हो सकता है कि मैं एक बैंक का भी ओनर हूं, 10% शेयर्स मेरे पास बैंक के हैं, और एक सीमेंट की कंपनी है जिसको मैं फुली ओन करता हूं, फॉर एग्जाम्पल 100% शेयर्स है मेरे पास. तो मैं बार बार अपने बैंक पे दबाव डालूं, या बार बार मेरा बैंक जो है वो सीमेंट कंपनी को लोन दे, फंड्स ट्रांसफर करे, तो ये एक तरीके की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन होती है. तो बैंक्स में इस तरीके के रूल्स और रेगुलेशंस लाए गए थ्रू आरबीआई, थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दो तरीके के एक्ट जो बैंक्स में चलते हैं, उन दोनों को जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उनमें ऐसे चेंजेस लाए गए जिससे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन रहे हैं उनको पहली बात कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. और इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अगर किसी का लोन अप्रूव करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सबको क्लैरिफाई करना होगा कि ये लोन अप्रूव करने के लिए सही है या नहीं, और मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन में तो नहीं हूं. अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की पोजीशन में हूं, ये कंपनी मेरे किसी रिश्तेदार की है, मेरी खुद की है, मेरे फैमिली मेंबर की है, या मेरे किसी बहुत नोन वन की है, तो मैं उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से बाहर आ जाऊं. ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस किए गए ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी का इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर सके, सही काम करे विच इज इफेक्टिवनेस, और सही तरीके से काम करे विच इज एफिशिएंसी. तो ये बैंकिंग कंपनीज के अंदर धीरे धीरे करके रूल्स और रेगुलेशंस लाए जाने लगे. अब हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे इसी के साथ में, जब मैं ये स्लाइड्स कवर करूंगा, कि कैसे ये रूल्स और रेगुलेशंस आज की डेट में बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं. मैं इसको भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, दो तीन बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा. बट आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, कि कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये समझ में आया? एनी क्वेश्चंस? नो. एनीबडी एल्स हु हैज अ क्वेश्चन, जिसको समझ ना आ रहा हो ये, प्लीज बताइए.
ओके गुड। तो ये इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस जो है, देखिए दूसरे पॉइंट में भी लिखा है, लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द बैंकिंग कंपनीज, रिस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ द बैंकिंग कंपनीज। ऑब्वियसली आप बिल्कुल अपनी मनमर्जी से लोन नहीं बांट सकते और आप ऑटोक्रेसी से भी लोन नहीं बांट सकते कि मैं इसको लोन दूंगा और इसको नहीं दूंगा। यू शुड नॉट हैव अ चॉइस, रूल्स शुड टेल यू व्हाट टू डू, प्रोसीजर्स शुड टेल यू व्हाट टू डू। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लाए गए कि मेक अ प्रोसीजर फॉर ग्रांटिंग लोन्स, मेक अ प्रोसीजर फॉर टेकिंग डिपॉजिट्स, राइट? और किस तरीके के लोगों से डिपॉजिट्स लोगे, किस तरीके के लोगों से डिपॉजिट्स नहीं लोगे, ये रूल्स में क्लियर होना चाहिए। किसी भी आदमी के खिड़की पे आने के बाद आप सब्जेक्टिवली डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका हम अकाउंट खोलेंगे और इसका अकाउंट हम नहीं खोलेंगे। दैट डिसीजन मस्ट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस एज पर द गवर्नमेंट लॉज। आप अपनी मर्जी से डिक्लेयर नहीं करेंगे कि ये काम आप करेंगे या नहीं करेंगे। लोन्स एंड एडवांसेस शुड बी डायरेक्टेड टू कोर सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट्स। इसको बहुत ध्यान से समझिए, कोर सेक्टर्स का मतलब ये होता है जो एक कंट्री के अंदर प्रोडक्शन के सेक्टर्स होते हैं और सेल्फ रिलायंस के सेक्टर्स होते हैं। सेल्फ रिलायंस का मतलब आप लोग सब समझते हैं? कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस? Anybody who can explain me what is the meaning of self-reliance? कोई नहीं जानता? दो दो तीन तीन लोगों ने प्रेजेंटेशंस बनाई हैं सेल्फ रिलायंस पर। सेल्फ रिलायंस का हिंदी में मतलब होता है आत्मनिर्भर। जो दूसरों पे निर्भर नहीं करते, अपने से करते हैं। आपके देश में एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है आत्मनिर्भर होने का, चल रहा है? यस सर, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मेन मीनिंग है कोर सेक्टर्स को बूस्ट करना, कोर सेक्टर्स की ग्रोथ इंश्योर करना, और कोर सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स आते हैं। ये तीनों वो सेक्टर्स हैं जो आपको आत्मनिर्भर बनाते हैं। एग्रीकल्चर आपकी कंट्री की फूड नीड्स को सेटिस्फाई करता है एट अ वेरी लोअर कॉस्ट। अगर आप अपने घर के अंदर खेती करके वहीं का सामान जो है हार्वेस्ट करके क्रॉप को आप घर में कन्वर्ट करके गेहूं दाल चावल खाते हैं तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा। इमेजिन अ सिचुएशन दैट यू आर इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया जस्ट लाइक ऑयल। तो आपको 10 रुपए 20 रुपए किलो मिलने वाला आटा 100 100 रुपए किलो मिलेगा, इमेजिन। तो क्या आपकी कंट्री की हालत हो जाएगी? भुखमरी की हालत हो जाएगी आपकी कंट्री की। स्टारवेशन, पीपल विल बी डाइंग ड्यू टू स्टारवेशन। दैट विल बी द सिचुएशन इफ द एग्रीकल्चर सेक्टर इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कोर सेक्टर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कई जगहों पर बहुत छोटे स्केल पर प्रोडक्शन करती है कई चीजों का, और उसके लिए रॉ मटेरियल भी इंटरनली ही सोर्स करती हैं, भारत के अंदर से ही सोर्स करती हैं बहुत सारा सामान और उसको बनाती हैं। और मैं इसके बहुत सिंपल एग्जांपल्स आपको दूंगा जो आप लोग रोज इस्तेमाल करते हो, आपको आइडिया नहीं है। एंड आई विल टेल यू द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दूध, जो छोटी छोटी डेयरीज खुली हुई हैं, कई लोग डेयरी तक जाते हैं दूध का डिब्बा लेके और वहीं से भर करके लाते हैं दूध। पैकेट्स में जो दूध आ रहा है वो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर से स्टार्ट हुआ था। अमूल वाज अ कोऑपरेटिव सेक्टर स्कीम, अमूल वाज नॉट अ कॉर्पोरेट सेक्टर स्कीम। कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं खुली थी अमूल की, इट वाज अ स्मॉल गुजराती एसोसिएशन दैट गॉट फॉर्म्ड। और उन्होंने आपस में, जितने आपस में डेयरी और फार्मिंग फैसिलिटीज थी उनमें जो गाय भैंस थी उनका दूध इकट्ठा करना शुरू किया और बेचना शुरू किया। सो दैट्स अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मॉडल, द मोस्ट सक्सेसफुल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मॉडल इन द कंट्री, राइट? ब्रेड, टोस्ट, आप लोग अपने घरों के पास की दुकानों में जाइए, वहां से ब्रेड और टोस्ट लीजिए, वो प्योरली इंटरनली सोर्स्ड मटेरियल से बनती है। हिंदुस्तान के अंदर ही मैदा होता है या आटा होता है, उसी से बनती है सारी चीजें। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे घरों के आस, इन्वर्टर्स आपके यहाँ लगते हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे। नोएडा जाइए, लगभग हर चौथे पांचवें घर में इन्वर्टर बन रहा होता है। इट मे बी ऑफ अ लोकल वैल्यू, इट मे बी ऑफ अ लोकल ब्रांड, बट इट इज ऑफ अ गुड क्वालिटी। 5 6 7 साल आराम से चल जाता है, सस्ता मिलता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन योर कंट्री। जूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं इंडिया के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में।
वो क्या है, इंटरनली सोर्स्ड है जूट। इंडिया में अपने आप काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है जूट का, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। और एक्सपोर्ट्स अगेन दीज टाइप ऑफ थिंग्स विच आर बीइंग ग्रोन विद इन द कंट्री डोमेस्टिकली सोर्स्ड, दे आर टू बी कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स एंड दे आर सपोज्ड टू बी एक्सपोर्टेड। ये तीन सेक्टर्स को शुरुआत से भारत सरकार ने आजादी के बाद से सपोर्ट करने की कोशिश की थ्रू बैंकिंग सेक्टर्स, ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। और प्रोडक्शन ज्यादा होने के बाद पहला पर्पस था कि कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो कंट्री के अंदर ही हो, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका मैक्सिमम पोर्शन पहले कंट्री के अंदर कंज्यूम हो जाए, जो बचे जो बैलेंस एडिशनल आपका वॉल्यूम है उसको आप एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। एक्सपोर्ट बाद में आता है, पहले आपका घर का कंजम्पशन आता है। दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आत्मनिर्भर होने का पहला तरीका है। अगर आप इस पे फोकस नहीं करते हैं तो आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। अगर आप खाली एक्सपोर्ट पे फोकस करेंगे तो आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। आप अगर अच्छी क्वालिटी की चाय, अच्छी क्वालिटी का गेहूं, अच्छी क्वालिटी का चावल पहले एक्सपोर्ट कर देंगे और बाद में खराब क्वालिटी का हमें खिलाएंगे तो आप अपने ही देश का नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी देश की लेबर, अपनी देश की ह्यूमन रिसोर्स का नुकसान कर रहे हैं। तो ये बात समझने की जरूरत है कि कोर सेक्टर्स को शुरुआत से ही भारत सरकार ने आजादी के बाद काफी मदद करने की कोशिश की थ्रू बैंक्स, लोन्स एंड एडवांसेस। इन 1975 रीजनल रूरल बैंक्स वर प्रमोटेड एक्सक्लूसिवली टू सर्व एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ग्रोथ। सरकार को 1975 के आसपास ये समझ में आया, कुछ कमिटीज बनाई गई जिन्होंने रेकमेंड किया कि रूरल बैंक्स अलग होने चाहिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या नेशनलाइज्ड बैंक्स अकेले इतना काम नहीं कर सकते, आपको नेचर ही चेंज करना होगा बैंक का, कमर्शियल नेचर का जो बैंक है उसको कम करना होगा ताकि वो एक सर्विस के पर्पस से और गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करे। सीधा गांव में जाकर के आप ब्रांच खोलिए, सीधा आप रूरल डिस्ट्रिक्ट में जाकर के ब्रांच खोलिए, तब बेनिफिट होगा। तो रीजनल रूरल बैंक से रिलेटेड एक एक्ट पास किया गया, एक कानून बनाया गया और रीजनल रूरल बैंक खोले गए। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक की एक सीरीज खोली गई हिंदुस्तान के अंदर जिसको कहा जाता है डाइवर्सिफाइड बैंकिंग ऑपरेशंस। और इन डाइवर्सिफाइड बैंकिंग ऑपरेशंस में अर्बन और रूरल लेवल पर कोऑपरेटिव बैंक्स खोलने की इजाजत प्राइवेट इंडिविजुअल्स और संस्थाओं को भी दी गई, परमिशन दे दी गई, बैंकिंग लाइसेंस दिया गया फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स, ताकि उस लोकल एरिया के अंदर जो बैंकिंग नीड्स हैं उस लोकल एरिया के लोग ही सर्व कर सके। ये भी आत्मनिर्भर होने का एक तरीका है, ये भी आत्मनिर्भर होने का एक तरीका है कि एक लोकैलिटी के लोग मिलकर के एक छोटा सा बैंक बना लें, कंट्रोल्ड बाय, रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कुछ जरूरत है तो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ पैसे उसके लिए दे दे और लोकल लोग जो हैं वो एक दूसरे पे क्योंकि ज्यादा भरोसा करते हैं तो वो उस बैंक को आराम से चला पाए। मैं आप लोगों को दो एग्जाम्पल्स दूंगा जो बैंकिंग ग्रोथ की तरफ इशारा करती है इंडिपेंडेंस एरा में, कैसे बैंक्स बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं जो 1947 और 1965 या 67 के आसपास खुले। मैं दो बैंक्स का एग्जांपल दूंगा, दोनों कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आपको नाम नहीं पता होंगे। 1947 में दयालबाग में, जिस यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ रहे हैं, 1947 में एक कोऑपरेटिव बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई किया गया और वो सक्सेसफुली हासिल किया, दयालबाग ने वो बैंक खोला जो आज भी सक्सेसफुली चल रहा है। हाँ, क्या चीज? ओके। और उसका नाम है राधास्वामी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और उसके बाद 1967 के आसपास दूसरा बैंकिंग लाइसेंस अप्लाई किया गया जिसका नाम था न्यू आगरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो दो अर्बन बैंक्स कोऑपरेटिव लेवल पर खोले गए और दोनों सक्सेसफुली आज तक सस्टेन कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, बगैर किसी फ्रॉड के, बगैर किसी इररेगुलेशन के और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के। तो बैंकिंग ग्रोथ, इस सेक्टर की ग्रोथ जो है वो इंडिकेट करती है कि कैसे एक लोकैलिटी में लोगों में कॉन्फिडेंस आया कि आप बैंक अकाउंट्स खोल सकते हैं, आप लोन्स ले सकते हैं और सेविंग की हैबिट डेवलप कर सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव्स थे गवर्नमेंट के वो धीरे धीरे करके पूरे हुए। 1991 एक बहुत खास साल आया जब हम सब लोगों को पता है कि पहली बार इस देश में बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारी इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हुई और लिबरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए इकोनॉमी के गेट्स खोले गए।
तब तक हिंदुस्तान जो है वो एक इंसुलेटेड इकोनॉमी थी। इंसुलेटेड का मतलब कोई क्रॉस बॉर्डर बिजनेस विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में नहीं आएगी, हिंदुस्तानी कंपनी बगैर परमिशन के विदेश में नहीं जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1991 वाज द फर्स्ट ईयर इन जुलाई, आई थिंक द डेट वाज 24 जुलाई 1991, शायद चार दिन पहले आज से, जब पहली बार वो बजट पेश हुआ जिसमें भारत के बॉर्डर्स को, भारत की जियो फिजिकल बाउंड्रीज को खोल दिया गया इन टर्म्स ऑफ फ्लो ऑफ मनी। विदेशी कंपनीज को इनवाइट किया गया कि यू कैन कम टू द कंट्री, इन्वेस्ट, ओपन योर कंपनीज, स्टार्ट डूइंग बिजनेस। और इससे लिबरलाइजेशन का एक प्रोसेस, लिबरल का मतलब होता है स्वतंत्रता, तो लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमी की जो इंडिपेंडेंस थी वो उसको दी गई। और सन 2000 के बाद से ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा फोकस गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्लोब एंड इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द पार्ट ऑफ द ग्लोब रादर देन स्टेइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। इंसुलेटेड इकोनॉमी को 91 में खत्म किया गया, 2000 के बाद से बैंकिंग प्रोसेस को ग्लोबलाइज कर दिया गया। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स वर इन्वाइटेड टू ओपन बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया विद अ प्रॉपर लाइसेंस, विद अ प्रॉपर प्रोसीजर, विद अ प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद सभी कानून जो बने हुए हैं हिंदुस्तान में उसको फॉलो करते। तो बैंकिंग नेशनलाइजेशन एंड डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ आपने पढ़ने की, समझने की कोशिश की, जिसमें आपने नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स समझा 1970 के आसपास, 68 के आसपास, 55 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ, 48 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया, लीड बैंक स्कीम बनाई गई जिसमें द बैंक वुड टेक लीड इन टर्म्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग मोर नंबर ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस एंड इट विल ऑल्सो स्टार्ट पूलिंग रिसोर्सेज फ्रॉम डिफरेंट बैंक। जो एक बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड बैंक है, उसने पंजाब नेशनल बैंक को भी इन्वॉल्व किया उस स्कूल के अंदर, स्टेट बैंक की किसी सब्सिडरी को इन्वॉल्व किया उस टाइम पर, अब तो सब्सिडरी है नहीं, तो इंडियन बैंक को इन्वॉल्व किया, बैंक ऑफ इंडिया को इन्वॉल्व किया, सिंडिकेट बैंक को इन्वॉल्व किया, और अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए अंडर द लीडरशिप ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे ही किसी और नेशनलाइज्ड बैंक ने इनिशिएटिव लिया सम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और वहां पर जाकर के उन्होंने लोन्स एंड एडवांसेस देने शुरू किए, बैंक ब्रांचेस एस्टैब्लिश करने शुरू की, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने शुरू किए, राइट। और आज इस इन स्कीम्स का नतीजा यह है कि आज इस कंट्री के अंदर जीरो इंटरेस्ट, जीरो बैलेंस की कई अकाउंट्स आसानी से खोले जा सकते हैं, जनधन खाते आसानी से खोले जा सकते हैं। जनधन खाते की स्कीम जब इस देश में लॉन्च हुई 2016 में आई थिंक, या 2015 में, तो आपके पास एक बहुत बड़ा बैंकिंग नेटवर्क था कंट्री, बहुत बड़ा, ह्यूज, जिसकी पहुंच गांवों तक, यहां तक कि लद्दाख में भी बैंक्स हैं आज के लिए, और एक या दो नहीं, तीन चार बैंक्स हैं, वहां आपको एटीएम्स भी मिलते हैं कुछ कुछ। तो उसकी वजह यह रही कि सरकार ने शुरुआत से कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करी और कंटिन्यूअसली पुश करती रही सरकार, ताकि हर कोने तक ये बैंकिंग स्कीम पहुंच सके। तब जाकर इस कंट्री के अंदर एक झटके में जनधन स्कीम लॉन्च हो सकी और 45 करोड़ खाते खुल सके। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री की, कि आज हमारे पास एक साथ 45 करोड़ खाते जीरो बैंक बैलेंस वाले, अगर आप यूजुअली बैंक में जाएंगे और खाता खोलेंगे तो बैंक बोलेगा 5,000 रुपए 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखिए, तो जीरो बैंक के भी खाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें आप कोई बैलेंस भी नहीं रखेंगे तब भी बैंक आपका अकाउंट बंद नहीं करेगा और बैंक आपके अकाउंट से पैसे नहीं काटे, कोई बैंक चार्जेस चार्ज नहीं करे। तो देखिए वो सारी चीजें आपने पढ़ी, इंट्रोड्यूसिंग प्रायोरिटी क्रेडिट कॉन्सेप्ट, प्रायोरिटी क्रेडिट विल बी गिवन टू कोर सेक्टर्स आपने समझा, ब्रांच एक्सपेंशन फेज कि कैसे पहले कमर्शियल बैंक्स को प्रमोट किया गया, फिर रीजनल रूरल बैंक्स लाए गए, उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स की स्कीम्स लाई गई, कोऑपरेटिव में भी रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को सेपरेट किया गया, ठीक। डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम्स, जहां पर आप देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स इंटरेस्ट देती हैं या इंटरेस्ट चार्ज करती हैं लोन्स पर, वो कम होते हैं, कमर्शियल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं। सरकार ऐसी कोशिश करती है कि जो फार फ्लंग एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, जहां लोगों की सेविंग्स कम है, इनकम ग्रुप्स लोअर हैं, वहां पर इंटरेस्ट रेट्स कम हो और डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट्स उतने ही रहे, कम करने की कोशिश नहीं करती है सरकार। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम्स लाई गई, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर किया गया, कैसे, पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा,
2001 से पहले हिंदुस्तान के अंदर 18 पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक्स थे, नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक्स थे, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक, राइट, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब सिंध बैंक, ऐसे करके 18, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक करके 18 बैंक्स थे। 2001 के बाद अगर आज आप खड़े होते हो तो आज आप देखते हो कि पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के कम से कम 10 बैंक खुल गए, एटलीस्ट 10 बैंक्स हैव बीन ओपन्ड अप इन द प्राइवेट सेक्टर। देयर आर लॉट ऑफ बैंक्स व्हिच हैव बीन अक्वायर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अब केवल कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 4 और रह गए, 5 पब्लिक सेक्टर बैंक्स रह गए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, और कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये 5 बैंक्स रह गए हैं। बाकी 17 बैंक्स को इन 5 बैंक्स के अंदर मर्ज कर दिया गया है। तो ये एक डाइवर्सिफाइड बैंकिंग एक्टिविटीज चल रही है, नेशनलाइजेशन को क्लब किया जा रहा है, बैंक्स को एक छोटे लेवल पर लाया जा रहा है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है उसमें हर तरीके के लाइसेंसेस इश्यू किए जा रहे हैं अंडर ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो 96-97 के बाद जब इंडिया में HDFC बैंक और ICICI बैंक खुले, ICICI और HDFC बैंक की भी ओरिजिन भारत सरकार से ही हुई है। भारत सरकार ने ICICI नाम की एक संस्था थी, HDFC नाम की संस्था थी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, HDFCI करके एक कंपनी थी जिसको डाइल्यूट किया, जिसके शेयर्स बेचे प्राइवेट सेक्टर को और HDFC बैंक एस्टैब्लिश किया। ICICI बैंक भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करके एक कंपनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ICICI ऑफ इंडिया, उसको डाइल्यूट किया सरकार ने, प्राइवेट सेक्टर को उसके शेयर्स बेचे, उसको बैंक बनवाया। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और उसके बाद एक UTI बैंक खुला, UTI के शेयर्स को डाइल्यूट करके, लेकिन बाद में उसको एक्सिस बैंक का नाम मिला। उसके बाद धीरे धीरे करके इस कंट्री में कई प्राइवेट बैंक खुले और आज की डेट में आपके पास IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, ऐसे बिल्कुल नए बैंक हैं जो पिछले 4-5 सालों में खुले, एंड दे आर डूइंग गुड। यस बैंक की भी ग्रोथ काफी अच्छी थी, बीच में उनके यहाँ एक दिक्कत हुई और वो दिक्कत भी हम लोग डिस्कस करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर कि क्या प्रॉब्लम्स हुई कुछ बैंक्स के साथ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बैंक्स की अलग अलग ग्रोथ है, इन ग्रोथ के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, जैसे मनमाने ढंग से लोन बांट देना, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का ठीक से काम ना करना। तो ये सारी चीजें भी बैंक की डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज की वजह से हो रही हैं और उसकी वजह से लॉज को और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, मैनेजमेंट और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और स्ट्रिक्टर रूल्स बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो है अलग अलग संस्थाएं भी बनी हुई हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम RBI का चैप्टर पढ़ेंगे। तो नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स जो है वो 19 जुलाई 1969 को हुआ और उस वक्त जो स्थिति थी, उस वक्त टोटल डिपॉजिट्स इन 14 मेजर प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स में कितना था, 2,741 करोड़ रुपए, बहुत छोटा डिपॉजिट था। अब ये जो है करंटली इसका लगभग 150 गुना हो चुका है डिपॉजिट्स का वैल्यू, तो ये हमको जो है ध्यान देने की जरूरत है। व्हाई द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, देयर वर अ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स। पहला, सोशल बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं व्हाट आर द सोशल बेनिफिट्स। कोर सेक्टर्स को एडिक्वेट प्रायोरिटी क्रेडिट प्रोवाइड करना, एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट्स। प्रोफेशनल बैंक मैनेजमेंट होना चाहिए, सरकार के कंट्रोल में प्रोफेशनल बैंक मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसे नहीं कि प्राइवेट हैंड्स में है, कोई भी आदमी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन रहा है, प्रॉफिट कमाना पर्पस बन गया है। एनकरेजिंग न्यू क्लासेस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, लोन्स दे करके एनकरेज करके नए एंटरप्रेन्योर्स बनाना, स्मॉल स्केल सेक्टर को मीडियम और लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस बनाना, ये बैंक्स के नेशनलाइजेशन का पर्पस था। प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग एज वेल एज रीजनेबल टर्म्स ऑफ सर्विस टू द बैंक एम्प्लॉइज, बैंक स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग देना और उनको जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी देना, क्योंकि बैंक जो है अल्टीमेटली अगर अब आप देखेंगे तो इस कंट्री की बैकबोन बन गई है। बैंकिंग सेक्टर अगर कोलैप्स होता हुआ दिखता है तो हर सेक्टर कोलैप्स होता हुआ दिखता है, तो इसलिए जो है उन लोगों को अच्छी ट्रेनिंग देना, अच्छी सर्विसेज देना और सही बैंकिंग सर्विसेज का बेनिफिट देना, रीजनेबल जॉब प्रोवाइड करना, उसकी रीजनेबल सर्विसेज प्रोवाइड करना वॉज द पर्पस। ठीक है, तो ये कुछ एफर्ट्स जो हैं पुराने टाइम में हुए, काफी डिटेल्स इसके अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर है, अभी हमको उनके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। वी विल गेट
चैप्टर बाय चैप्टर ओवर देयर, बट ये टोटल हिस्ट्री कमर्शियल बैंकिंग की बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड 2020 में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए, अलग अलग सेक्टर में जो वो हुए हैं वो सारी चीजें इसके अंदर मेंशनड है। तो अभी इतना समझने की जरूरत नहीं है जितना मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे कमर्शियल बैंक्स ग्रो कर गए बिफोर इंडिपेंडेंस, कुछ फेलियर्स भी हुए आफ्टर इंडिपेंडेंस, कैसे सरकार ने फोकस किया बैंक्स के नेशनलाइजेशन पर, ये हम लोगों ने समझा। और अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी जो है इक्वली कंधे से कंधा मिला के पब्लिक सेक्टर बैंक्स के काम कर रहे हैं। तो यहां पर हम आकर के इसको फिनिश करते हैं। एनी क्वेश्चंस ऑन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, हिस्ट्री ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया?